हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल प्रेटी किचन। मैं हूं आपके होस्ट मनीषा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मूली गाजर का पराठा। सो फ्रेंड्स, आपने नहीं देखा होगा इस तरह का पराठा आज तक, लेकिन जितना कलरफुल और ब्यूटीफुल ये पराठा दिखता है, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बहुत लगता है। और ऊपर से ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है और बहुत ही ज़्यादा, मीन्स अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं गाजर और मूली, तो इसका पराठा आप बना के उनको खिला सकते हैं। चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने लिए हैं 2 गाजर मीडियम वाले, ये है प्याज, प्याज लिया है मैंने 1 मीडियम, मिर्ची ली है 4, उसको कट कर लिया है मैंने ऐसे मीडियम साइज़ के, और ये है गाजर, गाजर 2 से 3 मीडियम साइज़ के लगेंगे, और ये है मूली, मूली भी 2 ली है मैंने, फ्रेश ली है सब मूली और गाजर। उसके बाद डाली है हल्दी 1/2 चम्मच, जैसे मैं हर पराठे में डालती हूँ, और नमक स्वाद अनुसार। ये है धनिया, धनिया पत्ती जो फ्रेश है उसको आप लेंगे 2-3 चम्मच, 2-3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। और ये है 1.5 कटोरी आटा, 1.5 से 2 कटोरी आपको लग जाएगा, जैसे आपकी सामग्री जितनी गिली है उसके हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इस तरह से मिक्स कर लीजिए सब सारी चीज़ें। और अगर आपको लगता है कि ये सारा मिक्सचर जो है बहुत ड्राई है, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको आटा गूंद लीजिए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है हमें, जब भी हम पराठे बनाते हैं तो हमें टाइट उसका जो आटा है गूंदना होता है, ठीक है। तो अभी ये रेडी है, तो चलिए पराठे बना लेते हैं इसके। उसके लिए हमें लगेगा चकला, रेडी सब सामग्री कर लीजिए, तवा रख दीजिए गैस पर, तवा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, और ऑयल उसको ग्रीस करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हम गोले बनाएंगे ये पराठों के, और उसको अच्छे से आटा लगा कर ही बेलेंगे। तेल लगाकर बेलने से पराठे क्रंची नहीं होते हैं। अगर आप इसको आटा लगाकर अच्छे से बेलेंगे और सेकेंगे, तो आपका पराठा क्रिस्पी होगा, क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले पराठों को दोनों साइड से अच्छे से पका लीजिए। मीडियम पकने के बाद हम उसमें तेल डालेंगे, क्योंकि तेल सिर्फ उसको क्रिस्प करने के लिए होता है, ना कि पकाने के लिए। ओके, तो कभी भी पराठों को पहले सेक लेना चाहिए, उसके बाद ही ऑयल से ग्रीस करके उसके बाद फिर से सेक लेना चाहिए। तो ये है राइट मेथड पराठा बनाने का। इसके बाद जो है आपको अच्छे से ऐसे प्रेस करके अगर आप इसको सेकेंगे, तो आपका पराठा जो है बहुत क्रिस्पी बनेगा, और सारी चीज़ें जो कच्ची है उसमें वो भी पक जाएगी, ठीक है। अगर आपके बच्चे और घर में भी कोई मूली और गाजर को नहीं खाता है, तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है, इसका पराठा बना लीजिए, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको सॉस के साथ, अचार के साथ और मीठे दही के साथ भी परोस सकते हैं। देखिए, हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप भी घर पे ये बनाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और फ्रेंड्स, अगर आपको और भी कोई रेसिपी चाहिए और या फिर आपको कुछ पूछना है, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।